जी डेफिनेशन आपने देखी कॉइल शेप स्ट्रक्चर आफ्टर लूप ऑफ एंड इज कॉल्ड डिस्टिंक्टिव रूल। अब फंक्शन देखेंगे डिस्टल ट्यूब्स हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो डिस्टल ट्यूब्स भी जो आपका फिल्ट्रेट है उसी को रिसीव कर रही होती है। यानी आपका जो फिल्ट्रेट था बॉमेंस कैप्सूल से वो गया आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, वहाँ से लूप ऑफ एंडे में, लूप ऑफ एंडे से डिस्टल ट्यूब्यूल में गया, और यूं ये सारा आपका फिल्ट्रेट जो है ट्यूब्यूल्स में मूव कर रहा है, पास ऑन कर रहा है। अब यहाँ पर जो आपने समझना है वो ये है कि जब इन ट्यूब्यूल्स में फिल्ट्रेट जा रहा होता है तो जो फिल्ट्रेट मिला है वो फिल्ट्रेट यूजफुल सब्सटेंसेस रखता है। इस फिल्ट्रेट में यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं मौजूद हैं वो कौन से हैं यूजफुल सब्सटेंसेस, उनमें आ जाते हैं आपका ग्लूकोज, वाटर, इसी तरह से आपके कुछ सॉल्ट्स। ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपके सिस्टम को चाहिए वो इस फिल्ट्रेट के अंदर रह जाती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाता है, ऐसी सिचुएशन में ये ट्यूब्यूल्स दोबारा से एक और फंक्शन साथ साथ परफॉर्म कर रही होती हैं जब फिल्ट्रेट इनमें आया होता है। और वो फंक्शन क्या होता है कि ये ट्यूब्यूल्स हैं इस फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब करना शुरू कर देती हैं, यानी दोबारा से जज्ब करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा होता है उसे कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस, और ये हो रहा होता है थ्रू ब्लड वेसल्स विच सराउंड्स दीज ट्यूब्यूल्स। अब ऊपर आपको मैं स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें ये आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स सारे ट्यूब्यूल्स हैं। इन ट्यूब्यूल्स के राउंड जो है आपको वेसल्स सराउंड नजर आएंगे जिन्होंने इसको घेरा हुआ है। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं वेसल्स हैं इनका काम क्या होता है, ये फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब करने में मदद देती हैं ट्यूब्यूल्स की। ब्लड जब इन वेसल्स में से गुजर रहा होता है फिल्ट्रेट इन ट्यूब के जरिए से, यहाँ और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं और एक दूसरे से रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस के जरिए से यूजफुल सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कर लेती हैं। अब इस फिल्ट्रेट जो ट्यूब के अंदर मौजूद था इसमें जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, तो वो इन ब्लड वेसल्स में मूव कर जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ही रहती है। यूं ये सारा दोबारा रीअब्सॉर्ब होके जो फिल्ट्रेट बचता है ट्यूब्यूल्स के अंदर उसे यूरिन का नाम दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं द फिल्ट्रेट of tubules after reabsorption is called urine. यूं formation of urine जो है आपके tubules में हो गई है। अब जब formation हो गई है tubules में urine की तो इसने करना क्या है, ये आपका एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था और ट्यूब्यूल्स यहाँ पर ख़त्म होती हैं, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट होती है, एक नाली होती है जिसमें इस यूरिन ने इकट्ठा होना होता है जो इसी के आगे मैंने बनाई हुई है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, ये सारा यूरिन जो है ड्रेन होगा इसमें, यहाँ पर सारा यूरिन इकट्ठा हो जाएगा। और ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था जबकि मैंने आपको बताया था किडनी में ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन जो हैं मौजूद होती हैं, तो हर नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट में ये सारा यूरिन कलेक्ट होता जाता है और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट जो हैं नेफ्रॉन्स की ये मिलती हैं और मिलकर एक ओवर डक्ट बनाती हैं जिसे पैपिलरी डक्ट कहा जाता है।
ये जो पेपिलरी डक्ट है, ये पेपिलरी डक्ट जो है सारी कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जो है वो कलेक्ट कर लेती है। यानी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो ड्रेन करेंगी यूरिन को इनटू पेपिलरी डक्ट्स। ये पेपिलरी डक्ट जो है ये होगी क्या, अगर ये आपने शेप आपको याद हो, आपने देखा था यहाँ पर आपके ये पैरामिड्स मौजूद थे और इन पैरामिड्स में नेफ्रॉन थे, आपकी ट्यूब्स थी। इस इन सब ट्यूब्स का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये सारी ट्यूब्स हैं यहाँ पर पेपिलरी डक्ट बनानी है, और ये पेपिलरी डक्ट जो है इसने अब यूरिन कहाँ पर ड्रेन करना है, आपका ये जो पोर्शन है जिसे पेल्विस रीजन बोला गया था, ठीक है। इस पेल्विस रीजन में पेपिलरी डक्ट जो है वो यूरिन को ड्रेन कर देगी। और आगे आपका सारा वही प्रोसेस जाएगा, यहाँ से यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर और उधर से यूरिथ्रा, इसके ज़रिए से आपका यूरिन जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, जिस्म से बाहर निकाल दिया जाएगा। यूँ आपका फिल्ट्रेशन जो है प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है आपके किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में, और फॉर्मेशन ऑफ किडनी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है आपको पता चल गया कैसे होती है। अब बुक में मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम्स। नेफ्रॉन जो है टॉपिक, आप ये नेफ्रॉन जो है टॉपिक आपको दिया हुआ, जिसमें हम आगे डायग्राम देख, ये डायग्राम देखो, ये किडनी का स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया हुआ, ये नेफ्रॉन्स को यहाँ पे हाईलाइट करके उनका इनर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ। वोमेंस कैप्सूल है जिसमें ग्लोमेरुलस है, ये ट्यूब्स हैं मूव कर रही हैं, कलेक्टिंग डक्ट आ रही है। ग्लोमेरुलस का ये पार्ट जो आपको बताया था वेन है, ये आर्टरी है, वेन से पानी ब्लड आया यहाँ पर, उसकी फिल्ट्रेशन हुई और जो साफ जो ब्लड था आपका जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट नहीं थे वो इस आर्टरी के जरिए से दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं। यहाँ पर अब फिल्ट्रेट मूव करना शुरू कर रहा है, जिसको जो है रीअब्जॉर्ब किया जाता है दोबारा से जो है, और फिर इसमें से जो बचता है फिल्ट्रेट, नाउ इट इज़ कॉल्ड यूरिन, और ये यूरिन जो है कलेक्टिंग डक्ट में सेव हो रहा है, और ये आगे पेपिलरी डक्ट और वहाँ से फिर पेल्विस रीजन में जाता है। ये सारी डिटेल आपको दी गई है, आपने अब इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ये फंक्शन ऑफ किडनी का टॉपिक भी आपको नज़र आ रहा है, किडनी का जो भी काम मैंने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का बताया ये सारा डिस्कस किया गया है, और ये वोमेंस कैप्सूल जो है उसको अलग से बनाकर सारा प्रोसीजर आपको बताया गया है। ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो है इसको आपने याद करना है, इसमें इन्फॉर्मेशन के तौर पर उन्होंने बताया हुआ है कि जो ह्यूमन यूरिन है उसकी कंपोजिशन तरतीब देखी जाए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ग्राम्स के लिहाज से, तो वो बताई हुई है कि पानी उसमें 96 ग्राम जो होता है, यूरिया उसमें 2 ग्राम होता है, और इसी तरह से आपके मिनरल सोल्स जो हैं उनकी तादाद उसमें 1.8 ग्राम होती है, और अदर नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड है वो 0.2 ग्राम जो है मौजूद होता है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपने जो है वो करनी है, और इसके साथ आपने ये एक्टिविटी भी दी है, आपने वो भी करनी है। इस एक्टिविटी में वो बता रहे हैं कि आपने एक बुचर शॉप से जो है किडनी ले लेनी है, बकरे की या किसी भी जानदार की, और आपने उसका स्ट्रक्चर आउट से भी देखना है, आउटसाइड के बाहर से वो किस तरह से दिखता है, और उसको काट कर आपने अंदर से भी देखना है, आपको किडनी जो है उसका स्ट्रक्चर सारा नज़र आ जाएगा, उसके सारे रीजन्स नज़र आ जाएंगे। यूँ आपका टॉपिक जो है किडनी इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ कम्प्लीट हो गया, आपने इसको अच्छे से याद करना है। स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।